ओम शांति। तपस्या हमारे जीवन की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कराती है। तपस्या से सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। और तपस्या के लिए ये आवश्यक है कि हमारा मन शांत रहे, उसकी स्पीड 8 से 10 फोर्स पर मिनट हो, जैसी देव युग में हमारे मन की स्पीड थी। तब मन को सेकंड में कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। बाबा कहते आए हैं, एक सेकंड में मन को स्टॉप कर दो और फिर जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस स्थिति में चाहे और जब तक चाहे अपनी मन बुद्धि को स्थिर कर सकें, यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। यही बहुत पावरफुल स्थिति है। इसको प्राप्त वही कर सकेंगे जिन्होंने विस्तार को सार में समेटने की जादूगरी प्राप्त की होगी। ये जादूगरी कहें या इसे ज्ञान का बल कहें, स्वमान का बल कहें, जिन आत्माओं के पास ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, उनको उस ज्ञान में निश्चय है और उस ज्ञान के पॉइंट्स की वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे उनका चित्त शांत हो जाता है। ऐसे ही जो स्वमानधारी हैं और बहुत ऐश्वर्यपन का अभ्यास करते हैं, उनकी भी ये स्थिति बन जाती है। तो हमें विस्तार को सार में समेटना है। एक तो बहुत ध्यान देना है कि संगम युग के वर्तमान समय में हमें काम धंधों का विस्तार नहीं करना है। अगर आपको करना भी है तो आपको ऐसा मैनेजमेंट कर देना चाहिए स्थापित कि काम दूसरे संभालें, आप साक्षी भाव से ऊपर से देखें, ताकि काम धंधों का बोझ, उनकी समस्याएं और चिंताएं आपके मन को उलझन में न ले आए। क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, न धन काम आएगा न जन, कुछ काम नहीं आएगा। काम आएंगे अपने पुण्य, अपनी स्थिति, अपना बाबा। इसलिए विस्तार को कम करते चलें। कईयों का बिना काम धंधे ही मन का विस्तार बहुत है, व्यर्थ सोचते हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपना जीवन पर चिंतन में, ईर्ष्या द्वेष में, तेरी मेरी में व्यतीत किया है। अब इससे भी मुक्त होंगे तो धीरे धीरे मन शांत स्थिति में आता जाएगा। पर याद रखें, जो लोग दूसरों को देखने में लगे हुए हैं, जिनका चित्त ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से जल रहा है, जो दूसरों को गिराना चाहते हैं, जिनके विचार बहुत छोटे हैं, जिनमें लेने की भावना है, जो दूसरों की लूट खसोट करते हैं, देना बिल्कुल नहीं जानते, उनका चित्त कभी एकाग्र नहीं होगा। उनके इन कर्मों की सजा अब उनको यही मिलेगी कि उनका मन बहुत भागेगा, जो उनको बेचैन करेगा। इसलिए विस्तार को सार में समेटने का अंतिम चांस सामने है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, कई साल लगते हैं। और अगर अब भी कोई अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की शुरुआत नहीं करेगा तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए आज बार बार विस्तार को सार में समेटने के लिए निराकार स्थिति का अभ्यास करें। मैं चमकती हुई मणि निराकार देह मानो है ही नहीं, और मैं परम पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।